फिल्म 72 हूरों की कहानी के मुताबिक दो पाकिस्तानी आतंकवादी बिलाल और हाकिम मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के पास ब्लास्ट में कई लोगों की जान ले चुके हैं। इसी ब्लास्ट में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हाकिम और बिलाल की रूह फिलहाल जन्नत में जाकर 72 हूरों से मिलने का इंतजार करते हुए इधर उधर भटक रही है। जैसा कि इन दोनों को मौलाना सादिक ने बताया था कि वो अगर काफिरों को सबक सिखाएंगे तो उन्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, साथ ही उनमें 40 मर्दों की ताकत भी भर जाएगी। लेकिन हाकिम और बिलाल की रूह को ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होता, इससे उलट वो दिन महीने और साल भर जन्नत और हूरों का इंतजार ही करते हैं और मौलाना सादिक को जी भर कर कोसते रहते हैं। आखिरकार बिलाल और हाकिम का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। शहादत की जंग जीत कर जब तुम जन्नत में जाओगे तो खुद को 72 हूरों के आगोश में पाओगे। अक्सर बेगुनाह लोगों की जान लेने वाले आतंकवादियों को इसी तरह के भ्रम जाल में फंसाए जाने की खबरें आती हैं। ये फिल्म जवानों को ऐसे ही मक्कड़ जाल में फंसाने के तरीकों की बेहद संजीदा तरीके से पड़ताल करती है। डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। इससे पहले इस फिल्म को गोवा में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है। करीब 1.25 घंटे की इस फिल्म में डायरेक्टर ने एक ऐसे विषय को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा जिसके बारे में अमूमन लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। फिल्म के डायरेक्टर संजय ने एक बेहद संवेदनशील विषय को बेहद संजीदा अंदाज में फिल्मी पर्दे पर उतारा है। फिल्म की शुरुआत हल्के फुल्के अंदाज में होती है, लेकिन धीरे धीरे ये फिल्म आपको अपने आगोश में ले लेगी। फिल्म की कहानी 72 हूरों की चाहत में दूसरे इंसानों की जान लेने से भी नहीं हिचकने वाले नौजवानों की मानसिकता को भी दिखाती है कि कैसे उन्हें झूठे रंगीन ख्वाब दिखाकर बेवकूफ बनाया जाता है। खासकर ब्लैक एंड व्हाइट में शूट की गई 72 हूरों में कहीं कहीं चुनिंदा रंगों का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का सबसे मजबूत पॉइंट इसकी मजबूत एडिटिंग है, जिसके दम पर ये महज 80 मिनट में एक मजबूत मैसेज देती है। फिल्म के लीड एक्टर पवन मल्होत्रा ने अपने रोल में जान डाल दी है। दहशतगर्द के रोल में हाकिम ने शानदार रोल निभाया है, वहीं बिलाल के रोल में आमिर बशीर ने भी अच्छा काम किया, हालांकि पवन के सामने वो हल्के पड़ जाते हैं। मौलाना सादिक के रोल में रशीद नाज भी जमे हुए हैं। एक बेहद संवेदनशील लेकिन अनूठे अंदाज में बनाई गई इस फिल्म को मनोरंजन के बजाय अपनी समझ का दायरा बढ़ाने के लिए जरूर देखना चाहिए।